की होगी सियासत किसका बनेगा महापौर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आ चुके वार्ड क्रमांक 179 में, जहाँ पे हमारे साथ है यहाँ की नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका तृष्णा विश्वास राव जी हमारे साथ है, उनसे सीधा बात करेंगे। आज उनकी रैली निकली है। अभी जो नगर सेविका ये वार्ड से है, लेकिन वार्ड की रचना बदल गई है, कैसा माहौल है, कितनी घटनाएं आ रही है? माहौल बहुत बढ़िया है। और रही बात जो गए 5 साल में मैंने जो काम किया है, हर गली में काम किया है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा काम मेरे 2 हुए ये इस वार्ड में। एक तो हाजी इस्माइल हाजी अल्लाना ये स्कूल किया हुआ है, जो स्कूल में वर्चुअल क्लासरूम हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे बच्चों को फर्दर एजुकेशन के किस तरह से होना चाहिए और कंप्यूटर का भी लेसन उनको पढ़ाया जाएगा। इसी तरह टॉय लाइब्रेरी, एक नया कंसेप्ट हमने लाया है वहाँ पे, टॉय लाइब्रेरी और स्टडी रूम, जो हमारे स्लम एरिया में जो बच्चे हैं वो बच्चे टॉय लाइब्रेरी में आके खेलेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं जो 10वीं क्लास में या 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, वो आके वहाँ, जो जिनका घर छोटा है वो बच्चे वहाँ आके पढ़े। इस तरह से पूरे एरिया में काम किया हुआ है। और ज़रूर शिवसेना की सीट 101% लाएंगे, ये हमारी सब कार्यकर्ता की कोशिश है, काम है इनका, और उसी के जोर के ऊपर मैं लाऊंगी। शिवसेना जिंदाबाद। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कुछ महीनों पहले आपके ऊपर आरोप हुआ था कि कब्रिस्तान की जगह या फिर कुछ जगह आप हड़पना चाहते हैं, उसको स्कूल बनाना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें कुछ राय? वही मैंने बोला ना, वहाँ जो टॉय लाइब्रेरी जो बनी हुई है, वो टॉय लाइब्रेरी का जो निचला हिस्सा है ग्राउंड प्लस, वो हम मदरसा के लिए दे रहे हैं, जो हमारी मुस्लिम बच्चियाँ हैं उन्हें अरेबियन सिखाएंगे, और ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ स्टडी रूम और टॉय लाइब्रेरी करके हम यूज करने वाले। और रही बात जो कब्रिस्तान की, मुझे मालूम है जो हमारा कब्रिस्तान ये बहुत छोटा गिर रहा है, और इसलिए हमने शांति नगर 90 फीट डीपी रोड पे 5 एकड़ का कब्रिस्तान का जो प्लॉट है वो रिजर्वेशन ऑलरेडी हमने कर दिया है, और उसी के लिए ये सब पूरा जो भी मेरे बारे में गलत अफवाहें होती है ये झूठ है। और मैंने ऐसे भी नहीं कि जाहिर सभा में मैंने बताया है कि ये काम हम कर रहे हैं और जरूर करेंगे हम ये काम। आपके मतलब बाकी के पार्टियों के जो आपके उम्मीदवार हैं, मतलब आपको नगर सेविका है, आपको पूरा वार्ड से जानकारी है, लोग आपको पहचानते हैं, तो किसी से टक्कर होने की, क्योंकि बीजेपी और सेना का जो गठबंधन अभी टूटा है उसकी वजह से मतदाता के ऊपर, मतलब वोट बैंक के ऊपर कुछ असर गिरेगा? देखो, मैंने इतना काम किया है, फुल कॉन्फिडेंस है मेरा, और मेरे ख्याल से आज जनता को विकास चाहिए, और जिस वार्ड में जिस नगर सेवक ने विकास किया है तो मेरे ख्याल से जनता उसी के साथ में होती है, ये जनता का कौल है और वो मुझे जरूर जिताएंगे। आपसे एक आखिरी सवाल, अभी आप एक पुराने कट्टर शिवसैनिक हो, तो अगला महापौर आप हो सकते? देखिए, हमारा ये ऐसा एक पक्ष है जो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब जिसको भी महापौर बनाएंगे हम उसी के साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी पोस्ट दी हुई है, क्योंकि हाउस ऑफ द लीडर ये इसके पहले खाली जेंट्स ही होते थे हाउस ऑफ द लीडर, कभी लेडीज नहीं हुई थी, मगर पहली बार उन्होंने मुझे जो सभागृह नेता बना दिया, इससे मुंबई की हर महिला का ये मान बढ़ाया है हमारे पक्ष प्रमुख ने, और वो जो चाहेंगे वही होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे तृष्णा विश्वास राव जी, जिन्होंने बताया कि 179 वार्ड में शिवसेना का झंडा ले रहेगा, ना किसी दूसरे पार्टी के साथ उनकी टक्कर है, ना कि पूर्व नगर सेविका है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता है कि स्थानिक लोग जो है महिलाएं हैं, उनसे सीधा बात करेंगे हम। नमस्कार भाई, ये बताइए तृष्णा विश्वास राव जी आपके अधिकृत शिवसेना के उम्मीदवार है और 100% चुन के आएंगे और हम चुन के देंगे ज्यादा से ज्यादा मतदान से। हमारे साथ कुछ माइनॉरिटी के भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। ये बताइए कि आपके जो उम्मीदवार है पूर्व नगर सेविका है, किस तरह से काम किया और आप दोबारा दिया ना टिकट उनको, काम किया करके तो दोबारा जीत के आएंगे इंशाल्लाह। दोबारा जीत के आएंगे, ऐसे बुजुर्ग लोग का भी कहना है, सभी का कहना है, महिलाओं का कहना है।
कैमरा मैन सुजीत के साथ मैं प्रथमेश शिवकर, फ्लैश टीवी न्यूज़ मुंबई।